नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं सिनेमाई। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। ब्रह्मास्त्र, इस फिल्म से बड़ी उम्मीदें थी बॉलीवुड को। लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि शायद इस फिल्म से बॉलीवुड कमबैक कर सके, लेकिन क्या वाकई में इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड कमबैक कर पाएगा या कर पाने की स्थिति में? कल फिल्म रिलीज हो चुकी है और आज पूरा एक दिन बीत चुका है इस फिल्म को रिलीज हुए। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी अहम चीज जो देखने को मिली वो ये कि इस फिल्म को लेकर या तो बहुत पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिल रहे हैं या फिर बहुत नेगेटिव रिव्यू देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आखिर लोग इसके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं इस फिल्म को देखने के बाद। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्विटर की, जहां पर कई सारे लोगों ने अलग अलग रिएक्शंस दिए हैं और उन्होंने बताया है कि ब्रह्मास्त्र फिल्म देखने के बाद उन्हें कैसा लगा और ये फिल्म उन्हें कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम ब्रह्मास्त्र रिव्यू हैशटैग को जब सर्च करते हैं तो उसमें तमाम सारे रिजल्ट्स आते हैं और इन रिजल्ट्स में एक सबसे पहला जो ट्विटर हैंडल है वो है डॉक्टर आयुषी चौहान का। आयुषी चौहान लिखती हैं, एपिक डिसअपॉइंटमेंट, 1 स्टार। It's scary to watch this movie in an empty theater. मतलब इनका कहना है कि इन्होंने पूरे खाली सिनेमा हॉल में फिल्म को देखा है, जो कि बड़ा डरावना था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर। एक संजय संजू करके इनका ट्विटर हैंडल है, ये लिखते हैं, बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र। जैसा कि लगातार हम लोग देख ही पा रहे हैं कि जब भी कोई बॉलीवुड मूवी रिलीज होती है उसका बॉयकॉट पहले शुरू हो जाता है। बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र रिव्यू। इन्होंने लिखा है कि लैक स्टोरी अस्त्र एंड स्क्रीन प्ले अस्त्र, यानी ना तो इस फिल्म में स्टोरी है और ना ही स्क्रीन प्ले है जिस पर लोग देखें और भरोसा करें। एक और ट्विटर हैंडल यूजर है अर्नव राज, ये लिखते हैं, पब्लिक रिस्पॉन्स इज लाउड एंड क्लियर, ओनली 7 पीपल आर वॉचिंग रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र मूवी इन 300+ पीपल कैपेसिटी मल्टीप्लेक्स थिएटर। यानी 300 से ज्यादा की क्षमता वाले मल्टीप्लेक्स थिएटर में सिर्फ 7 लोग एक वक्त में फिल्म देख रहे हैं। और इस तरह के कई सारे रिव्यूज और भी हैं। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पॉजिटिव रिव्यू कितनी देर में आते हैं। शशांक देव भी लिखते हैं, ब्रह्मास्त्र रिव्यू, पूरी फालतू मूवी है, देर इज नो प्लॉट ऑफ द मूवी, अलॉट्स ऑफ कैरेक्टर आर इम्पोज एंड द VFX इज ऑन इट्स वर्स्ट लेवल। यानी VFX को पूरी तरह से नकार दिया है, क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि इस फिल्म के VFX बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन शशांक देव लिखते हैं कि VFX बहुत ही खराब है। एक और यूजर है अर्नव राज, वो लिखते हैं, बॉलीवुड स्टॉप टारगेटिंग आर एंशिएंट हिस्ट्री नेशनलिज्म बाय मेकिंग सच डिसग्रेसफुल मूवी ब्रह्मास्त्र। मतलब इनका कहना है कि हमारे प्राचीन इतिहास को टारगेट कर रहा है बॉलीवुड और ये रोकना चाहिए, जल्दी जल्द इसको रोकना होगा। और अयान मुखर्जी जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि 10 साल उन्होंने इस फिल्म को बनाने में लगाए और उन्होंने साफ तौर पर इसको नकार दिया है कि ये पूरे के पूरे 10 साल उन्होंने बर्बाद कर दिए। देखिए, हम सिर्फ उन्हीं रिव्यूज की बात करेंगे जिनमें कुछ इन्होंने लिखा है। आप सभी जानते हैं, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है उससे पहले 2 धड़े बढ़ जाते हैं, एक जो उस फिल्म के पक्ष में खड़ा मिलता है और दूसरा एक वो जो उस फिल्म का विरोध करता हुआ नजर आता है। किसी ना किसी चीज को लेकर उस फिल्म पर कंट्रोवर्सी कर ही दी जाती है। इससे पहले जब भी हम बॉलीवुड फिल्मों को आता हुआ सुनते थे तो यही कहा जाता था कि इस फिल्म के साथ अगर कंट्रोवर्सी है तो वो सिर्फ इस वजह से है कि इस फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है, इस फिल्म को हाइप दी जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब अगर कॉन्ट्रोवर्सी है, अगर लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो वो साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है, और ना सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा है बल्कि इन फिल्मों के बिजनेस पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। और इसका साफ साफ उदाहरण देखने को मिला लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, इन फिल्मों को ऑडियंस ने पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन ब्रह्मास्त्र जो मतलब जिसका ये कहा जा रहा था कि इसमें हमारे इतिहास की बात की गई है, हमारे जो अस्त्र हैं उनकी बात की गई है, वहीं एक धड़ा ये भी था जो कह रहा था कि रणवीर कपूर इस फिल्म में मंदिर की घंटी बजा रहे हैं, वो भी जूते पहनकर। तो इस तरह की चीजें भी सोशल मीडिया पर डाली गई। वहीं तरण आदर्श ने भी कहा था, जैसा कि पवन पंचारिया भी लिख रहे हैं, तरण आदर्श इज ब्रह्मास्त्र इज एन एपिक डिसअपॉइंटमेंट, हाई ऑन VFX, लो ऑन स्टोरी एंड
एंड कॉन्सेप्ट। इन्होंने VFX की तारीफ की, यानी तरुण आदर्श ने ये कहा है कि इसके VFX अच्छे हैं। रियल इंडियन नाम का ये ट्विटर हैंडल है, ये लिखता है दिस फिल्म इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, हॉरिबल VFX एंड डायरेक्शन, नॉट इवन अ सिंगल सीन एवोक्स गूज़बम्प्स, रादर इट इज बाउंड टू गिव यू हेडेक थ्रू आउट द रन टाइम एंड ब्लॉट ऑन फिल्मोग्राफी। इन्होंने इस फिल्म को डिजास्टर करा दिया है और इन्होंने कहा है कि इस फिल्म का एक सीन भी ऐसा नहीं है जो आप में रोमांच पैदा कर सके। इस पूरी फिल्म को देखते हुए हाँ, आपको अगर कुछ मिलेगा तो वो सिर्फ होगा सरदर्द और कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज और देखने को मिली इस फिल्म में, लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, कोई VFX की बुराई कर रहा है, कोई आलिया की एक्टिंग की बुराई कर रहा है, कोई रणवीर की एक्टिंग की बुराई कर रहा है। लेकिन एक जो चीज कॉमन देखने को मिली वो ये कि शाहरुख खान, यानी शाहरुख खान ने जो कैमियो किया है वो, उसकी तारीफ करते हुए कई लोग नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शाहरुख खान जब स्क्रीन पर आते हैं तो आपको एक सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिलेगा। आखिर ऐसा क्या है शाहरुख खान के कैरेक्टर में, ये तो हमें भी देखना होगा कि आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में जो शाहरुख खान के किरदार की इतनी ज्यादा तारीफ की जा रही है। एक कीजी नाम का सोशल मीडिया हैंडल है, ये लिखता है KRK's अरेस्ट कुडंट सेव ब्रह्मास्त्र, SS राजामौली कुडंट सेव ब्रह्मास्त्र, SRK's कैमियो कुडंट सेव ब्रह्मास्त्र, पेड PR कुडंट सेव ब्रह्मास्त्र। हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले कमाल राशिद खान को मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। वहीं ये भी सभी लोगों को पता है कि SS राजामौली ने भी इस फिल्म को काफ़ी प्रमोट किया और उन्होंने अयान मुखर्जी की काफ़ी तारीफ भी की और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि VFX इस फिल्म में बहुत अच्छे और बहुत शानदार इस्तेमाल किए गए हैं, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। लेकिन उनके कहने के बावजूद भी इस फिल्म पर और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई बहुत ज़्यादा खास असर अब तक देखने को नहीं मिला है। अब देखिए, बड़े लंबे समय के बाद एक पॉजिटिव रिव्यू हमें देखने को मिला है। उज्ज्वल शर्मा, इनका ट्विटर हैंडल वेरीफाइड भी है, उन्होंने लिखा है ओवरऑल द मूवी इज गुड, द स्टोरी इज डिसेंट, द VFX aren't बैड एंड माय फेवरेट पार्ट वाज IM SRK's कैमियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाहरुख खान का जो कैमियो है उसकी काफी लोग तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने 5 में से 4 स्टार दिए हैं इस फिल्म को। प्रभास नाम का एक ट्विटर हैंडल है, ये लिखता है इट्स बेसिकली बैडली रिटन क्राइम पेट्रोल एपिसोड डायलॉग्स, नथिंग इन द स्टोरी विच कैन कनेक्ट विद ऑडियंस। इन्होंने कहा है कि जो एक क्राइम पेट्रोल का जो एपिसोड होता है ठीक उसी तरह इसके डायलॉग लिखे गए हैं, इसकी स्टोरी में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नहीं है जो कि ऑडियंस से कनेक्ट बना सके। वकार हैदर नाम का ये एक ट्विटर हैंडल है, ये लिखते हैं वंस अगेन शाहरुख खान प्रूव ही इज द बिगेस्ट मूवी स्टार ऑफ ऑल टाइम इन इंडिया, देयर आर एनफ वर्ड्स ऑफ एडमिरेशन टू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ किंग खान एंड हिज मस्मराइजिंग परफॉर्मेंसेस। इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान के बारे में लिखा है, जैसा कि हम सभी चर्चा कर ही रहे हैं कि शाहरुख खान का जो कैमियो है वो वाकई में शानदार है और लोग इसकी काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं। ये अनबु नाम का एक सोशल मीडिया हैंडल है, ये लिखते हैं 5 में से 0 रेटिंग देते हैं। पॉजिटिव अगर देखा जाए तो पॉजिटिव क्या है, कार पार्किंग टाइम, स्टार्ट क्रेडिट्स, हेल्थ एडवाइसेस अबाउट स्मोकिंग, इंटरवल गैप, एंड क्रेडिट्स, और जो नेगेटिव है वो पूरी फिल्म और टिकट प्राइस। एक और रिव्यू मिला है, पॉजिटिव रिव्यू, अनिल सैनी कटारिया, ये लिखते हैं कि द फिल्म इज वेरी गुड एंड वर्थ वॉचिंग, इट हैज़ रोमांस एडवेंचर एंड इट्स स्टोरी इज ऑल्सो गुड। ऑल्सो गुड ये थोड़ा सा शक पैदा करता है, ऑल्सो गुड यानी इनको पता है कि स्टोरी अच्छी नहीं है तभी ये इसकी तारीफ कर रहे हैं। बट इन दिस द रोल ऑफ शाहरुख खान, लाल सिंह चंडा इज कंप्लीटली रबिश, आई गिव दिस मूवी 4 out of 5 stars। इन्होंने शाहरुख खान के किरदार को पूरी तरह से रबिश करार दिया। तो यही मैं बात कर रहा हूं कि आजकल आप सोशल मीडिया पर जितने भी कमेंट्स देख रहे हैं, जितने भी रिव्यूज देख रहे हैं, वो पूरी तरह से बायस्ड नजर आ रहे हैं। कोई भी मिक्स रिव्यू नहीं दे रहा है, या तो उस फिल्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं या फिर बहुत ज्यादा खराब बातें कही जा रही हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे बॉलीवुड के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित होने वाला है। अगर मैं अब तक इस पूरे फिल्म को समझ पाया हूं, क्योंकि मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, मैं अगर आपसे बात करने आता हूं तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक रिव्यू के बेसिस पे बात करने आता हूं कि आखिर सोशल मीडिया पर लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज इस फिल्म को, इस फिल्म के रिव्यूज में देखने को मिली वो ये कि
दो ही तरह के रिव्यू हैं, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन इनका अगर निचोड़ निकाला जाए तो वो मैं आपको बताता हूं। इसकी स्टोरी जिसमें कुछ भी नयापन नहीं है, कोई दम नहीं है, शायद अस्त्रवर्ष जो बनाने की कोशिश अयान मुखर्जी ने की है वो कुछ ऐसी की है कि वो अपनी स्टोरी को इस फिल्म में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि इस फिल्म के अगले दो पार्ट आने बाकी हैं, और जिस तरह से मार्वल यूनिवर्स है वैसे ही ये अस्त्रवर्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अस्त्रवर्ष बनाने में उनसे कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई है, और यही वजह है कि लोगों से पैच और शायद यही वजह है कि लोगों को पैच और शायद यही वजह है कि लोग उस स्टोरी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्टिंग की अगर बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि रणवीर कपूर एक बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं और उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं है। आलिया भट्ट, हम सभी जानते हैं कि आलिया भट्ट ने अपने आप को प्रूव किया है और उन्होंने ये दिखाया है कि आखिर उनकी एक्टिंग में कितना दम है। लेकिन जो डायलॉग्स हैं, जो लव एंगल इस सीन में, यानी जो लव एंगल इस फिल्म में दिखाया गया है, पैच। लेकिन जो लव एंगल इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को निराश कर रहा है। जब हम बात अस्त्रवर्ष की कर रहे हैं, अस्त्रों की बात कर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना चाह रहे हैं जहां पर लोग अपने अध्यात्म और अपने पौराणिक जो कथाओं में उल्लेख है जिन चीज़ों का, उनके बारे में अगर हम बात करना चाह रहे हैं तो वो लव स्टोरी डालकर उसको हल्का कर दिया गया, ये एक नेगेटिव पॉइंट सामने निकल कर आया। दूसरी बात, शाहरुख खान का कैमियो जिसकी तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से उसको इस फिल्म में डाला गया है और कौन सी जगह पर ये शाहरुख खान का जो कैमियो आया है जिससे लोग अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। डायरेक्शन की बात की जाए तो अयान मुखर्जी ने काफ़ी लंबा समय दिया है और एक लंबे वक्त में इस फिल्म को तैयार किया है, तो वो जो 10 साल का जो वक्फा जो इन्होंने बिताया है इस फिल्म में, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये 10 साल बर्बाद कर दिए हैं। VFX की अगर बात की जाए तो VFX बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और शायद ये एक ऐसी पहली फिल्म है जिसमें इतने बड़े स्तर पर बॉलीवुड में VFX का इस्तेमाल किया है। तो मेरी तरफ से ये अभी तक चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, जैसा कि मैंने अब तक सोशल मीडिया पर रिव्यूज़ को पढ़ा और लोगों की बातों को सुना, उससे यही चीज़ सामने निकल कर आई है कि जो ब्रह्मास्त्र बनाने की कोशिश अयान मुखर्जी ने की है वो पूरी तरह से विफल रही, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है इसकी स्टोरी। अगर स्टोरी पर और ज़्यादा काम किया जाता तो शायद अयान मुखर्जी सफल होते। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हाँ, आपने अगर ब्रह्मास्त्र फिल्म देख ली है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस फिल्म में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। धन्यवाद।